हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आलू प्याज का मैं क्या करने वाली हूँ, तो बताती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू प्याज के पकौड़े। तो कैसे बनाते हैं आज मैं उसकी विधि आपको बताऊँगी। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं मैं आलू छोटे छोटे पीस करके काट रही हूँ। उसके बाद मैं प्याज काटूँगी। देख सकते हैं प्याज आलू कट चुके हैं और ये है बेसन, और बेसन को मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ मैंने ये धनिया पाउडर डाला है मैंने थोड़ा सा, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी। आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हैं। मैंने गरम मसाला डाला है हल्का सा, और ये मैंने अजवाइन ली है, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे करके हथेलियों की सहायता से इसे मैं रस वो करूँगी थोड़ा सा, और इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने बारीक बारीक हरी मिर्च काटी थी, वो मैं डाल दूँगी इसमें। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अभी मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और जस्ट में आपको ध्यान रखें, इसमें आपको पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का पानी डालना है, जिससे कि हमारी जो आलू प्याज है वो अच्छे से पकौड़ी बन जाए और चिपके। तो आप देख सकते हैं मैंने हर चीज़ इसमें डाल दी है, और मैं इसे अच्छे से पूरा मिलाऊंगी, आलू प्याज और जो भी मैंने मसाले डाले हैं और बेसन। तो आप देख सकते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं, नीचे गिर जा रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगी बेसन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट करना ना भूलें। ठंडियों में और बरसात में गरम गरम पकौड़ी, मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो अभी सब कुछ रेडी हो चुका है, पकौड़ी आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये आपस में चिपक भी रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ। सेम आपको ऐसी प्रोसेस बनाना है, ऐसे ही बनाना है आपको। तो इधर मैंने गैस जला दी है और ऑयल रख दिया है, सरसों का तेल, सरसों के तेल में बनाऊंगी आज मैं पकौड़े और बहुत टेस्टी बनते हैं, एक बार आप भी ट्राई करें सरसों के तेल में। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली धुआं निकल चुका है और इधर हमारा आलू प्याज भी रेडी हो चुका है। तो आइए मैं दिखाती हूँ कैसे मैं बनाऊँगी पकौड़े। अगर आप हाथ से बनाना चाहोगे तो हाथ से भी बन जाते हैं ये, तो मैं चम्मच की सहायता से तेल में डालूँगी। तो देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, सेम आपको वैसे ही डालना है, ये देखिए आप, इससे आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और अच्छे से पकौड़ी भी हमारी बन जाएगी। ध्यान दें जब बिल्कुल तेल गर्म हो जाए, धुआं निकलने लग जाए, उसके बाद ही हम पकौड़ी डालेंगे। अगर आप ठंडे तेल में डाल दोगे पकौड़ी तो आपकी जो पकौड़ी है वो चिपक जाएगी और तेल पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद ही हम उसमें पकौड़ी डालेंगे। तो फाइनली हमारी पकौड़ी थोड़ी बहुत पक चुकी है। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो 2 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं पकौड़ी का कुछ ऐसा कलर आ चुका है और अभी आप देख सकते हैं मैं इसे एक एक करके पलटाऊंगी पकौड़ी को। तो फाइनली अभी पकौड़ी हमारी बन चुकी है और इसका कलर आप देख सकते हैं कैसा कलर आया है और इसकी खुशबू पकौड़ियों की। फाइनली पकौड़ी बन चुकी है, आप देख सकते हैं, इसको मैं फिर से एक बार करूँगी, पलटूँगी जिससे कि ये थोड़ी सी और कुरकुरी बन जाए। तो आप देख सकते हैं पकौड़ी बन चुकी है और मैं तो जा रही हूँ खाने। अगर आपको भी खाना है तो आप भी आ जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टाटा।